क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहा जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे वाक्य हो जाते हैं जिसके कारण क्रिकेट की इस छवि धूमिल होती हुई नजर आती है। कुछ ऐसा ही पिछले दो दिन से सिडनी के मैदान पर हुआ है, जहां पर मैच देखने के लिए आए ऑस्ट्रेलिया के कुछ फैंस ने सभी हदें पार कर दी। इन फैंस ने भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह को अपशब्द कहे और नस्लभेदी टिप्पणी भी की, जिसके कारण से आज काफी समय तक खेल रुका रहा। इस पूरे वाक्य के बारे में आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। इसके साथ ही एक और विवाद जो भारतीय घरेलू क्रिकेट में देखने को मिल रहा है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट एडिक्टर और मैं हूं आपके साथ आदित्य तिवारी। सिडनी के मैदान पर खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन के अंत में भारतीय खिलाड़ियों ने कुछ दर्शकों पर नस्लभेदी टिप्पणी करने और गालियां देने का आरोप लगाया, जिस पर एक्शन होने की बात की जा रही थी। मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह के साथ ऐसी घटना कल के दिन देखी गई थी, जिसके बाद अब भारतीय टीम मैनेजमेंट ने इस पर कड़ा एक्शन लेने का फैसला किया। भारतीय टीम मैनेजमेंट ने इसकी शिकायत मैच रेफरी से की थी, जिसके बाद आज दोबारा ऐसी घटना मैदान पर देखने को मिली, जिस पर भारतीय खिलाड़ियों ने कड़ा रुख अपनाते हुए फौरन खेल रोककर मैदानी एम्पायरों से शिकायत की, जिसके कारण काफी समय तक खेल रुका रहा। हालांकि उसके बाद फोर्थ एम्पायर भी मैदान पर आ गई थी। इसके बाद पुलिस की मदद से उस स्टैंड में बैठे कुछ लोगों को फौरन निकाल दिया गया, जिसके बाद ही दोबारा खेल शुरू हो सका। कल के दिन ही बीसीसीआई ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से इस बारे में लिखित शिकायत की थी, जिसके बाद ही आज एक्शन लेते हुए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस पर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम ऐसी घटना बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस घटना पर भी कड़ा एक्शन लिया जाएगा। हमारे यहाँ नस्लभेद को लेकर कड़े कानून हैं। फिलहाल हम आईसीसी की जांच टीम का इंतजार कर रहे हैं कि उस मुद्दे पर फैसला करेंगे। जो लोग भी इसमें शामिल हैं उन पर कड़ा एक्शन जरूर लिया जाएगा। इस बयान के बाद से भारतीय खिलाड़ी और बीसीसीआई यही उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ऐसी कोई घटना मैदान पर नहीं देखी जाएगी। दूसरी घटना की बात करें तो आज से घरेलू क्रिकेट में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी शुरू हो रही है, जहां पर कुणाल पांड्या को बड़ौदा की टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। वहीं दीपक हुड्डा को टीम का उपकप्तान बनाया गया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की शुरुआत से पहले ही बड़ौदा की टीम में बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें टीम के कप्तान द्वारा उपकप्तान पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। बड़ौदा टीम के उपकप्तान दीपक हुड्डा ने टीम के कप्तान कुणाल पांड्या पर आरोप लगाया है कि उनके कप्तान ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया और टीम के साथ ही खिलाड़ियों के सामने अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया। ऐसा मामला सामने आने के बाद दीपक हुड्डा ने बड़ौदा टीम का कैंप छोड़ दिया है और बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन को एक पत्र भी लिखा है। स्पोर्ट्स स्टार के अनुसार दीपक हुड्डा ने कुणाल पांड्या पर आरोप लगाते हुए बड़ौदा क्रिकेट बोर्ड को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा, मैं पिछले 11 साल से बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के लिए क्रिकेट खेल रहा हूँ। अभी के समय मुझे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए चुना गया है। मैं हतोत्साहित, डिप्रेस्ड और दबाव में हूँ। पिछले दो चार दिनों से मेरी टीम के कप्तान मिस्टर कुणाल पांड्या मेरे खिलाफ टीम के सभी खिलाड़ियों के सामने अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और मुझे हर वक्त नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वह मुझे धमकी दे रहे हैं कि मैं कैसे बड़ौदा के लिए खेलता हूं कि मैं तुमको देख लूंगा। मैं इस तरीके का अस्वस्थ माहौल अपने क्रिकेट करियर में आज तक नहीं देखा है। मैंने हर लेवल पर बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के लिए क्रिकेट खेला है। इसके अलावा मैं पिछले 7 साल से IPL खेल रहा हूँ। मैंने अपने क्रिकेट करियर में अब तक अच्छा रिकॉर्ड हासिल किया है। मैंने कई इंटरनेशनल क्रिकेटरों और कप्तानों के साथ अब तक क्रिकेट खेली है, लेकिन इस तरीके का खराब व्यवहार मैंने आज तक फेस नहीं किया। मैं एक टीम मैन हूँ और हमेशा खुद से आगे टीम को रखता हूँ। जो मैंने तथ्य ऊपर बताए हैं उसके बाद मैं खेल नहीं सकता और अच्छा प्रदर्शन भी नहीं कर सकता, जहाँ बड़ौदा की टीम कप्तान मेरी तैयारियों के दौरान हर बार मुझे परेशान कर रहे हैं। बड़ौदा की टीम ने कुछ दिन पहले इस सीजन के लिए अपनी टीम का ऐलान किया था, जहां पर पहली बार उसे पठान को टीम में शामिल नहीं किया गया और कुणाल पांड्या को टीम की कमान सौंपी गई थी। अब इस मुद्दे पर BCCI और बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन क्या एक्शन लेता है, ये देखने वाला होगा। क्रिकेट से जुड़े और ऐसे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट एडिक्टर और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।